नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। पहले आपको तीन विंडो में यानी एक ही स्क्रीन में तीन अलग अलग खबर दिखाते हैं, एक पीलीभीत, दूसरा औरैया, तीसरा अम्बेडकर नगर। तीनों खबरों को एक बार आप देख लीजिए, तीनों तस्वीरों को आप देख लीजिए, फिर खबर क्या है हम आपको बताते हैं। पहले हम बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में 32 करोड़ की लागत से बनी सड़क को कैसे ये युवक आराम से अपने हाथ से उखाड़ दे रहा है, ये भी जो पीलीभीत की तस्वीर है आप एक बार पूरा इस तस्वीर को देखिए, उसके बाद हम आपको औरैया की खबर बताते हैं। पीलीभीत की तस्वीरें आपने देख ली, अब औरैया पे आते हैं। औरैया में कैसे गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले ये भी तस्वीरें आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। अब आते हैं हम अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में कैसे एक कुदाल से यानी फावड़े से सड़क को आराम से खोन ले जा रहा है ये युवक। माटी ना है झूम कर ये माटी भी बनवा थी है? कई दिन चली आवे जात पर। तीनों तस्वीरों को आपने देख लिया, अब हम इन तीनों तस्वीरों के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल पीलीभीत में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनी थी, लागत था 32 करोड़ रुपए। 32 करोड़ की लागत से बने सड़क को एक युवक गया और आराम से अपने हाथ से उखाड़ते हुए चल दिया। यानी सड़कों का निर्माण कितनी गुणवत्ता से है आप इन तस्वीरों से खुद ही अनुमान लगा लीजिए। दूसरी तस्वीर जो हमने आपको औरैया की दिखाई, दरअसल गड्ढा मुक्त। प्रदेश सरकार की जैसे मंशा है कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो, इसी कड़ी में जेई साहब ने और तारकोल की जगह मिट्टी से सड़क को गड्ढा मुक्त करा दिया। ये भी प्रदेश सरकार के जेईएम पढ़ लिख के इंजीनियरिंग पास करके जूनियर इंजीनियर हैं, लेकिन मिट्टी से ही गड्ढा मुक्त करने चले। अब तीसरी खबर की तरफ आते हैं जो अंबेडकर नगर की है। अंबेडकर नगर में कुछ ऐसा ही हुआ, व्यक्ति अपने घर को जा रहा था, उसने सड़क निर्माण देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि हमारे गाँव की सड़कें बन गई। अब सड़कों की गुणवत्ता को जांचने के लिए वो फावड़ा उठाया और जैसे ही फावड़ा लगाया सड़कें लगातार उखड़नी शुरू हो गई। माटी ना है झूम कर ये माटी भी बनवा थी है? कई दिन चली। आपने प्रदेश के अलग अलग जनपद की तीन तस्वीरें देखी। एक तरफ प्रदेश के मुखिया ये आदेश देते हैं कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए, योजनाएं लाते हैं, फंड देते हैं, सड़क का निर्माण कराते हैं, लेकिन सड़क की गुणवत्ता क्या है और किस स्तर पर अधिकारी काम कर रहे हैं ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।